हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द स्किनर एक्सपेरिमेंट ऑन रैट। बीएफ स्किनर का किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट जो उसने एक चूहे पे यानी माउस पे एक परफॉर्म किया था, या जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, जैसा कि स्किनर ने अपनी थ्योरी में ये साफ कहा है कि हम किस तरह से अपने बिहेवियर को जो है कॉन्सिक्वेंसेस से सीखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो है स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट में उसने एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग में एक रैट को लिया और उस रैट को एक बॉक्स में डाला। उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ लीवर लगा हुआ था। जब भी वो रैट उस लीवर को प्रेस करता तो उसे खाना मिलता। ये उसके लिए क्या थी? ये उसके ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि जैसे ही वो लीवर को प्रेस करेगा उसे खाना मिलेगा। सेकंड स्टेप में उसने भूखे रैट को एक बार फिर उस बॉक्स में डाला, लेकिन इस टाइम उसने उस रैट को एक माइल्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जो उसके पैरों के नीचे से लगता था। ये इलेक्ट्रिकल शॉक उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद दिया जाने लगा। फिर उसने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल शॉक को लगातार दिया। फिर चूहे ने अचानक लीवर को प्रेस किया और लीवर को प्रेस करने से ये हुआ कि उसको वो इलेक्ट्रिकल शॉक लगना बंद हुआ। उससे उस रैट ने ये चीज सीख ली कि जितनी देर मैं लीवर को प्रेस रखूंगा मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। ये हुई थी उसकी नेगेटिव रीइंफोर्स। नेगेटिव कंडीशनिंग में रीइंफोर्स हुआ कि मैं लीवर को प्रेस करूंगा और इलेक्ट्रिकल शॉक बंद हो जाएगा। थर्ड स्टेप में उसने रैट को दोबारा बॉक्स के अंदर डाला। अब उसने पनिशमेंट को जांचना था। पनिशमेंट में उसने क्या किया कि पहले तो उसने जो है रैट ने ये चीज सीख ली थी कि लीवर को दबाने से या तो मुझे खुराक मिलेगी या इलेक्ट्रिकल शॉक मुझे नहीं लगेगा। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने इस तरह की उस बॉक्स में सेटिंग की कि जैसे ही रैट ने लीवर को प्रेस किया तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगा। तो ये क्या हुई, ये उसके लिए एक पनिशमेंट हुई। चौथे में उसने एक्सटिंक्शन पे एक्सपेरिमेंट किया, यानी प्रोसेस को एंड करना। देखिए, रैट सीख चुका था कि या तो मैं लीवर को प्रेस करूंगा या तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगना बंद होगा या मुझे कोई ना कोई खुराक मिलेगी या मैं उसको दबाऊंगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक दोबारा से लगेगा। अब चौथे में क्या किया कि जैसे ही रैट ने लीवर को प्रेस किया ना ही उसे कोई खुराक मिली और ना ही उसे कोई जो है झटका लगा, यानी ना ही उसे कोई इलेक्ट्रिकल शॉक मिला, यानी उसके लिए ना ही वहां पे कोई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थी और ना ही कोई ऐसी नेगेटिव कंडीशन जिससे वो कोई बिहेवियर सीख पाया, यानी उसने उस एक्सपेरिमेंट को एंड कर दिया। इसलिए उसने इस एक्सपेरिमेंट को, इस प्रोसेस को एक्सटिंक्शन का नाम दिया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसी चार चीजों को डिस्कस किया था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट और एक्सटिंक्शन, तो स्किनर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से उन चारों चीजों को एक्सप्लेन किया। सो आई होप के एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।